दोस्तों बहुत बड़ी खबर सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है अभी, जो कि 14 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था 10th और 12th का, तो उन्हीं के लेकर के ये जो अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया है सीबीएसई ने। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक जरूर देखिए अगर आप 10th और 12th में पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर जो कोरोना महामारी चल रही थी उसके कारण स्कूल तो बंद कर ही दिए थे, साथ में सीबीएसई ने एक बड़ी अपडेट 12th के लिए जो एग्ज़ाम 4 मई से 14 जून तक होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं। जी हाँ, पोस्टपोन यानी कि वो फिलहाल जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से नहीं होंगे। कब होंगे एग्ज़ाम, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट नोटिस जारी कर दिया जाएगा 15 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया जाएगा जब भी ये एग्ज़ाम होंगे। तो ये बात रही 12th की। अब हम बात करते हैं 10th को लेकर के, तो 10th के जो एग्ज़ाम 4 मई से 7 जून तक होने थे वो कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल ही कर दिए गए हैं। तो 10th में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, 12th के जो एग्ज़ाम होंगे वो पोस्टपोन हो गए हैं और 10th के जो एग्ज़ाम है वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने कोरोना के चलते ये जो अपडेट है ये निर्णय लिया है। कैसा लगा आपको ये जो सीबीएसई का फैसला है मुझे कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।